हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में। इससे पहले की जो हमने वीडियो लिया है, हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर लिए हैं। पाकिस्तान मेजर डिसीजन किसको लेने चाहिए, कैसे किसको इलेक्ट किया जाता है, एंड चाइना की क्या कंडीशन थी, कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, मैक्सिको, एंड इन सब के बारे में हमने डीपली पढ़ा था। आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज आप पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं कि जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि क्या उस कंट्री में डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है, या फिर सिर्फ फ्रंट में शो ऑफ के लिए डेमोक्रेसी दिखा रखी है, या एक्चुअल में वहां डेमोक्रेसी है भी या नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट फीचर रीड करते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो ये फर्स्ट फीचर है कि जो रूलर्स होते हैं उनको लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो लीडर्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको लोग वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रूलर्स बनते हैं जो पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। तो ये कैसे, ये जो रूलर्स होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्शन के थ्रू। और इलेक्शन में जो वोट होता है वो लोग वोट डालते हैं, ठीक है। मतलब पूरी पावर लोगों के हाथ में, लोगों का मन है, पीपल्स का मन है, वो जिसे चूज करना चाहे उसे चूज कर सकते हैं, ओके। सेकेंड है, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। जो भी इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, किसी भी माल प्रैक्टिसेस, किसी भी डर्टी ट्रिक्स एंड फ्रॉड का यूज नहीं होना चाहिए। जो पीपल जिसे वोट देकर जिताना चाहते हैं वही रूलर बनना चाहिए, वही जीतना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी जीत रहा है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, जानू पीएफ में हुआ, जानू पीएफ की जो पार्टी रॉबर्ट मुगाबे थे वो जीत रहे थे डर्टी ट्रिक्स का यूज करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। थर्ड है, ईच अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ, हैव वन वोट वन वैल्यू। किसी भी बेस पे, ठीक है, कोई जो अडल्ट वोट डाल सकते हैं किसी भी बेस पे, लाइक रिलीजन, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी एजुकेशन हो, कोई भी कास्ट, कोई भी कलर हो, वेल्थ कुछ भी हो, कोई अमीर हो, पुअर हो, सभी को जो वोट होना चाहिए वन वोट होना चाहिए। और उस वोट की वैल्यू भी क्या काउंट होनी चाहिए? वन वोट एंड वन वैल्यू काउंट होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा, इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको डिसीजन लेना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? उनको डिसीजन लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ सेट किए हैं उन्हीं लॉ के अंडर में रहकर उनको लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए लोगों के, लोगों का देखना चाहिए, लोगों का प्रॉफिट इसमें है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल किस साइड है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाकर या उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी लॉ नहीं बनाना चाहिए, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। द राइट्स ऑफ द सिटीजंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये राइट ऑफ द सिटीजन, जो सिटीजंस के राइट है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। कौन प्रोटेक्ट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रखा है ताकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को हार्म ना पहुंचा सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके, ओके। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इसके ऊपर रूल करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम नहीं करती। उसको कुछ स्पेशल पावर दी गई है कि आप जो भी जजमेंट लोगे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर लोगे, किसी के भी अंडर में या किसी के भी प्रेशर में आकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स थे जिनको हमने यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। हमने अभी तक देखो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सब में हमने ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी सच में इतनी अच्छी है या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीजें हैं। तो हम डिमेरिट्स पढ़ेंगे पहले डेमोक्रेसी के। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी डिमेरिट्स को पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, लीडरशिप कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। सबसे बड़ा पॉइंट,
डेमोक्रेसी के अंदर देखिए हम हर 5 ईयर बाद जो लीडर होते हैं वो चेंज करते हैं, कई बार नहीं भी होते और कई बार होते भी, बट डेमोक्रेसी में चेंज होना ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और ये इसका नेगेटिव भी है। अब देखिए लीडर चेंज हो रहे हैं, हर 5 ईयर बाद लीडर चेंज होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट सपोज किसी एक लीडर ने स्टार्ट किया है, वो 5 ईयर तक कंप्लीट नहीं हो पाया, दूसरा आया उसने उसको बैन कर दिया, रोक लगा दी, उसने आगे उसको नहीं बनवाया, तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में, कंट्री स्टेबल नहीं हो पाती, हमेशा बैलेंस में नहीं रहती है। कोई भी नया लीडर आता है वो सारी चीजें चेंज करके चला जाता है, कोई भी दूसरा सपोज कोई अच्छा लीडर आया उसने बहुत सारी चीजें करी और उसके अगेंस्ट में कोई बेकार सा लीडर आ गया आफ्टर 5 ईयर, उसने उनकी की हुई सारी चीजों को बैन कर दिया, सारी चीजों पर रोक लगा दी। अब तो इसलिए जो ये चेंजिंग है अच्छा भी है और बेकार भी है डेमोक्रेसी के अंदर, बट गुड भी है। क्यों गुड है? क्योंकि अगर लीडर ही सही नहीं है तो नेक्स्ट डे आप चेंज तो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इससे इंस्टेबिलिटी रहती है कंट्री के अंदर में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी टोटल ऑफ टोटल क्या है? कॉम्पिटिशन का खेल है, पावर प्ले का खेल है। देर इज नो स्पेस फॉर मोरलिटी, यहाँ मोरलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी काम अपने मन से नहीं करता कि मुझे डेमोक्रेसी है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी शुड डू दिस वर्क, ऐसा नहीं है। उनके लिए क्या है, जीतने के लिए सब कुछ करना है, कॉम्पिटिशन है, 10 पार्टी है बल्कि ज्यादा ही है, तो उनमें मुझे जीतना ही जीतना है और मुझे जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी पावर का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके मैं कैसे रूलिंग पार्टी में आऊं, तो ये पावर प्ले का गेम है यहाँ सारा। और कॉम्पिटिशन है, हर 2 पार्टी के बीच में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है, हर पार्टी दूसरी पार्टी से आगे जाने के लिए कॉम्पिटिशन कर रही है, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है, ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, ये भी इसकी एक कमी है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेड्स टू डिले। अब डेमोक्रेसी में देखिए ये भी चीजें, ये भी इसकी कमी है, कोई भी कंसल्ट करना हो, कोई भी लॉ बनाना हो तो उसके लिए डिले पे डिले, डिले पे डिले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है। जल्दी कोई लॉ नहीं बनता, मतलब डिसीजन बहुत ज्यादा टाइम बाद लिया जाता है, चीजों को डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा डिले छोड़ा जाता है, एक एक चीज को डिस्कशन करने में, डिसीजन लेने में सालों, 2-3 साल बीत जाते हैं, तो बहुत मतलब टाइम लैग बहुत ज्यादा है इसमें, टाइम बहुत ज्यादा लेती है डेमोक्रेसी। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजन। देखो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना, उनको नहीं पता कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, सिर्फ चूज कर लिया है उनको। जिसके घर में से कभी कोई खेत में काम करने नहीं गया, कभी कोई किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं गया, उन लोगों को लीडर बना देते हैं। अब जिसके दादा परदादा ने खेतों में काम नहीं किया, किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया, उनको लेबर के बारे में या फिर फार्मर के बारे में क्या नॉलेज होगी, एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज होगी। और ऐसे पर्सन को हमने क्या बना रखा है, लीडर बना रखा है। अब ऐसे पर्सन को हमने लीडर बना रखा है तो ये बताइए वो डिसीजन कैसे बेस्ट लेंगे, वो तो बैड डिसीजन ही लेंगे ना। कैसा डिसीजन लेंगे? बैड डिसीजन ही लेंगे, वो बेस्ट डिसीजन तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पर। और हम उनको चूज करते हैं तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों में, लोग क्या करते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो सिर्फ लीडर बनना है और लीडर बनके अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। तो ये भी इसकी एक लैक है, कमी है। डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। और इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इलेक्शन में जीतने के लिए करप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। पैसा देकर जीत जाओ, किसी भी चीज में पैसा दे दो, तो डेमोक्रेसी से करप्शन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जो कि आप देख भी रहे होंगे जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, बहुत ज्यादा करप्शन क्रिएट होता है। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन चलता है, दबा दब कॉम्पिटिशन चल रहा है, लोग एक दूसरे से जीतने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को हरा देते हैं, उसको डिसक्वालिफाइड करा देते हैं, ठीक है, उसकी जो नेगेटिव चीजें सारी निकाल के दिखा देते हैं, जिससे कि वो ना जीते और हम जीत जाए। और कई बार इससे जो हार्म होता है ना, वो लोगों को फेस करना पड़ता है, सारी प्रॉब्लम इनके कॉम्पिटिशन के चक्कर में सारी प्रॉब्लम फेस जो वहां की सिटीजन होती है उनको करनी पड़ती है, सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको नहीं पता होता उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है,
वो अपने लिए कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि आधी चीजों की तो उनके पास नॉलेज ही नहीं होती है कि मुझे किसे वोट करना है. उनको लग रहा है ठीक है कोई भी खड़ा उसको वोट कर दो, बट एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपको किसको वोट करना है. लोगों को पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती कि कौन हमारे लिए बेस्ट है, हमें किसे वोट डालना चाहिए. वो किसी भी एक ऐसे पर्सन को वोट देके आ जाते हैं जो उस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करता. जैसे अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया था, अब एक ऐसे पर्सन को वोट देके आ रहे हो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है, उसे क्या पता होगा, वो आपको क्या बताएगा. वोट उसे दो जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे, जो आपके लिए काम करे, ना कि किसी को भी आंख बंद करके वोट दे दो. ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर ये इसकी कमियां हैं कि लोग किसी को भी वोट देके आ जाते हैं. इंडिया में क्या चीजें चलती है, सिर्फ आपको वोट देना है, इतने लोग खड़े, आपको पता है कोई भी बेस्ट नहीं है, बट आपको फिर भी किसी को तो एक को तो वोट देना, तो चलो किसी भी एक को वोट दे दो. तो ये सबसे बड़ी कमी है डेमोक्रेसी के अंदर. चूज तो कर रहे हो आप लीडर को, बट आप सही से चूज नहीं कर पा रहे हो. किसी को भी आप चूज कर रहे हो, जब आप किसी को भी चूज कर रहे हो ना, तो वो किसी भी आके, कोई भी आके ऐसे ही रूल भी कर लेता है. तो ये भी डेमोक्रेसी का नेगेटिव पॉइंट है. ठीक है, कि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है और सामने वाले लीडर को क्या करना है. अब हमने ऐसे ही चूज कर लिया तो वो भी ऐसे ही आ गया और ऐसे ही रूल भी करता है. फिर हम कमेंट करते हैं या हम बोलते हैं कि यार ये लीडर अच्छा नहीं है. क्या वोट देने से पहले हमने सोचा था कि लीडर कैसा है? हमने नहीं सोचा तो वो भी क्यों सोचेगा. तो वोट देने से पहले हमें भी तो सोचना चाहिए, पहले हमें प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, ये क्या ये लीडर सही है हमारे लिए, ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा. अगर नहीं करेगा तो वोट नहीं देना चाहिए. जो आपका नन ऑफ द अबव बटन होता है उसको प्रेस कर दो, उसको दबा दो अगर आपको लीडर नहीं पसंद आ रहा. बट ये वाली थिंकिंग जो होती है कि किसी को देना है, किसी एक को देना है, किसी को भी दे दो, ये गलत है. बट डेमोक्रेसी में यही होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशियंसी. कई बार क्या होता है, जब लीडर चेंज होती है तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं. बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और जिनका सारा का सारा इफेक्ट किस पर पड़ता है, सारा का सारा इफेक्ट सिटीजन पर पड़ता है. गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो रिच पीपल है उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, जो पुअर पीपल है उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द जो वोट देने जाते हैं ना वो भी पुअर पीपल ही होती हैं, तो इसलिए झेलना भी उन्हें ही पड़ता है. तो ये सारे उसके डीमेरिट्स हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है. ठीक है, तो आई होप आपको इसके सारे डीमेरिट्स क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए अब हम इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं. आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी या फिर इसके मेरिट. देखिए, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी जो है ना वो बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेस्ट है. कैसे बेस्ट है इनको अभी हम समझेंगे. यहां देखिए, ये है, ये व्हाइट, ब्लू एंड रेड, ये तीन लोग खड़े और सारे के सारे ही वोट मांग रहे हैं. अब जीतना तीनों को ही है. कोई ऐसा भी, कोई भी तीनों में से कोई ऐसा होगा कि जो ये नहीं चाहेगा कि भाई मुझे वोट ना मिले, मैं ना जीतूं? तीनों ही चाहेंगे और तीनों ही किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी रहेंगे. तो ये जो कंपटीशन चलता है ना, ये बेस्ट भी है और रॉस्ट भी है. क्यों? क्योंकि ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोगों को यहाँ प्रॉफिट भी, अगर एक काम नहीं भी कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम नेक्स्ट टाइम में दूसरे को गवर्नमेंट, दूसरी की गवर्नमेंट बनाएंगे. ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है. बट यही हमारा नेगेटिव ऑप्शन भी है कि अगर बेस्ट, आज हमारे पास में बेस्ट लीडर है, सपोज नेक्स्ट टाइम में चेंज हो गया तो बेस्ट लीडर हमारे यहाँ से चला जाता है. ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो, डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है कि आज कोई गलत काम हो गया, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, बट डेमोक्रेसी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है. कुछ भी गलत हो गया, कहीं क्राइम ज्यादा बढ़ गया, तो लोग ऑप्शन उठाते कि ऐसा हो रहा है, आप इस पे कुछ लॉ क्यों नहीं बना रहे हो, तो उनको लॉ बनाना पड़ता है. डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है. जैसे कहीं फेमाइन आ गया, अदर कंट्री में जहां पर डिक्टेटरशिप है, मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि उनकी तो डिक्टेटरशिप है. और डेमोक्रेसी में क्या है, अगर फेमाइन आया है तो उनको लोगों तक उनके नीड्स की जो थिंग्स है वो पहुंचाने पड़ेंगे, गुड्स पहुंचाने पड़ेंगे. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया
तो नेक्स्ट टाइम उनकी गवर्नमेंट गई, खत्म, आएगी ही नहीं। तो इसलिए ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबल नहीं होती, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी गवर्नमेंट तो चल रही है और नेक्स्ट टाइम भी उनकी ही आएगी, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, उनको इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता किसी के डेथ से और किसी के बॉर्न होने से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है ना, वो बेटर लिए जाते हैं, इंप्रूव किए जाते हैं। कैसे? अब ये देखिए कैसे, इससे हमने पहले पढ़ा था कि डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं, डिले तो होते हैं, साथ साथ में ये भी तो देखो ना, सबसे कंसल्ट होने के बाद किसी भी डिसीजन को लिया जाता है, सबसे कंसल्ट किया जाता है, प्रॉपर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, कुर्सियों की तोड़फोड़ भी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर डिबेट के बाद में कोई भी डिसीजन लिया जाता है। अब इतने डिसीजन के बाद में कोई भी अगर इतनी डिबेट के बाद में अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो क्या वो बेकार होगा? सही डिसीजन होगा। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर में डिसीजन जो है वो डिले होते हैं, क्योंकि कंसल्ट करने में, डिबेट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी के अंदर सारी चीजें सिर्फ लोगों से ही रिलेटेड होती है, लोगों के बारे में ही समझा जाता है, पूछा जाता है, जाना जाता है, जो लोग चाहते हैं, लोगों की जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है, कि लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करे, डिफरेंसेस को दिखाए। जैसे कि इंडिया में कास्ट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, डाइवर्सिटी है, इसके बाद भी क्या इंडिया में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी के अंदर ये रूल है कि सबको इक्वालिटी मिले, हर रिलीजन के लीडर को, सॉरी, हर रिलीजन के पर्सन को, हर लैंग्वेज के पर्सन को लीडर बनाया जाए। जैसा कि आपने लेवल्स में देखा होगा, सेंट्रल और स्टेट होती है, सबको पावर इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। जब पावर इक्वली डिवाइड हो रही है तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स का तो चांस उठता ही नहीं है। ठीक है, हर लैंग्वेज के पर्सन को पावर दिए, और इंडिया में आपने देखा होगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखा होगा, किसी भी, सभी को मौका मिलता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो वो लीडर नहीं बन सकता, सबके लिए रिजर्वेशन है, कोई भी यहाँ पर आकर लीडर बन सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ कॉमर्स बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी हमें ये भी ऑप्शन देता है कि कभी हमसे गलती हो जाए, हमने आज गलत लीडर चूज कर लिया, अब हम कुछ टाइम बाद उसको चेंज भी तो कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको जीतने ही मत दो, किसी दूसरे पर्सन को लीडर बना दो, तो हमारी जो मिस्टेक आज हुई है हमने उसको करेक्ट कर लिया और करेक्ट करके हमने एक नया लीडर चूज किया। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स थे, ये इसके प्रॉफिट थे, एडवांटेजेस थे, और इसके हमने डिमेरिट्स भी पढ़े और हमने इसके मेरिट्स भी पढ़े। तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक ब्रॉडर मीनिंग और बचा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भी समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आई होप आपको बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब ब्रॉडर मीनिंग देते हैं, क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो, जो मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो डेमोक्रेसी का, वो है इसका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, देखो हमारी कंट्री में 140 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन है, अगर हम सभी को बोल दें कि आप डिसीजन लो, हम किसी लीडर को ना रखें, लीडर्स को हटा दें, डेमोक्रेसी ही हटा दें, सिर्फ रिपब्लिक हो, लोग हो, और उनको बोल दिया जाए कि आप डिसीजन लो, क्या 140 करोड़ की जो ये सिटीजन है ये डिसीजन ले पाएगी? कैसे ले पाएगी? एक जगह, कोई ऐसी एक जगह नहीं है कि सब इकट्ठे हो सके, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कहीं आएगी भी नहीं। ठीक है, तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है, और डिसीजन हम लेंगे भी तो सब मानेंगे नहीं, क्योंकि कुछ उसको मानेंगे, कुछ उसको नहीं मानेंगे, इसलिए हमने सबने क्या करा, हम और सबके काम जो वर्किंग है उनके काम भी बंद हो जाएंगे, अब डेली डेली काम तो कोई बंद कर नहीं सकता, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, हमने क्या कहा कि हमारी तरफ से आप हमें रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जैसे एक क्लास होती है, उस एक पूरी क्लास को एक मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं 10th क्लास का मॉनिटर या 9th क्लास का मॉनिटर, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी लोगों ने अपनी तरफ से एक लीडर चूज करते हैं, वो
पूरे उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि उनके की तरफ से मैं आया हूं। अगर सभी लोग जाएंगे तो दिल्ली जैसे एरिया में तो जाम लग जाएगा, मतलब इतना गंदा जाम लगेगा कि इतनी पॉपुलेशन तो आ भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है ताकि सारे लोगों का काम बंद ना हो, अपने काम करते रहे और एक रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी तरफ से सारे फैसले वो ही लेगा। ठीक है, जैसे हमारे घर के सारे फैसले पापा लेते हैं क्योंकि वो बड़े भी हैं और सबकी तरफ से वही लेते हैं। बड़ी तो मम्मी भी, बट मम्मी की जगह मोस्ट ऑफ दी फादर ही डिसीजन लेते हैं। एंड मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। मेजोरिटी अलाउ करती है डिसीजन किसके बिहाफ पर? पीपल के बिहाफ पर। मतलब जैसे इलेक्शन में भी मेजोरिटी ऑफ द वोट जिसको जाएंगे वो लीडर बनेगा, मेजोरिटी ऑफ द रूल्स में जो एग्री करेगा वो लॉ बनेगा। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को फॉलो किया जाता है, जिस साइड मेजोरिटी होगी वही डिसीजन माना जाएगा। और ये सारी चीजें बिहाफ ऑफ द पीपल जाते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको किसने चूज करके भेजा है? लोगों ने ही तो चूज करके भेजा है। अब लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करा और रिप्रेजेंटेटिव सारे डिसीजन लेगा। इसमें भी मेजोरिटी देखी जाएगी, जितने मेजोरिटी इस साइड होंगे वो डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है, मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट में पीपल है और फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि वो सारे एक साथ में बैठकर कोई भी कलेक्टिव डिसीजन ले सकें। दस वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी के अंदर में ज़रूरत होती है, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या एक जगह बैठकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक साथ बैठना ही फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए हमने क्या चूज़ करे हैं? रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से सारे डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। कई बार हम डेमोक्रेसी का वर्ड यूज करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। हम किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलते, किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बी टू बिकम, मतलब हम ये बात करते हैं, हम किसी डेमोक्रेसी का जनरली नाम लेते हैं कि डेमोक्रेसी का एम क्या होता है, क्या करना चाहती है। तो डेमोक्रेसी सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहती है, डेवलपमेंट देना चाहती है, ये डेमोक्रेसी के अंडर में इसका एम होता है। सबको इक्वल राइट्स देना, इक्वल राइट्स देना, इलेक्टेड लीडर्स को चूज करना, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन सारी चीज़ों को। और जितने भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी थी, जैसा हर कंट्री में होता, पाकिस्तान में हो गया, मैक्सिको, चाइना में, तो इन सारी जगह पर जो हो रहा था ऐसा डेमोक्रेसी का एम नहीं है। डेमोक्रेसी का फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, जिसमें लोगों को प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए कोई काम करे ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर में नहीं है। ठीक है, लास्ट है हमारा, डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन, दस स्टडी ऑफ अ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करती है? एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करें, अच्छे से चलाएं, ऐसे एक्टिव लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं डेमोक्रेसी में। ऑल द सिटीजन, ऐसे सिटीजन्स होने चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेसी को अच्छे से समझे और उनके लोगों के अकॉर्डिंग काम करें डेमोक्रेसी के अंदर में, गवर्नमेंट अच्छे चला, ये नहीं कि आप माल प्रैक्टिस एंड डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस ट्रिक्स का यूज कर रहे हो। इसीलिए स्टडी कर डेमोक्रेसी की करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर में क्या है, क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको कैसे डेमोक्रेसी पे फोकस करना है। ठीक है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, इन सभी चीज़ों को आपने आई होप बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। एम क्या है डेमोक्रेसी का? ओके, हम डेमोक्रेसी को क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें यह पता चले कि किसी कंट्री में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है या फिर एक्चुअल में डेमोक्रेसी है भी या फिर नहीं है।
इन सारी चीज़ों को ही पढ़ने के लिए हमने इस चैप्टर किया। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे गवर्नमेंट रन करती है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।